हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूजी मोलटेक में। आज हम जानेंगे गाइड पिलर और गाइड बुश के बारे में, क्या होते हैं गाइड पिलर और गाइड बुश, क्या है इसके कैलकुलेशन, क्या है एडवांटेजेस, क्या है नोमेनक्लेचर। आइए दोस्तों हम देखते हैं 3D में। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट एंड वीडियोस। ये दोस्तों एक इंजेक्शन मोड, मैंने एक डेलाइट क्रिएट करके रखा हुआ है ऑलरेडी इसके आपके सहूलियत के लिए। ये इसके गाइड पिलर, इनको कहते हैं गाइड पिलर, और ये गाइड पुश चार। बेसिकली ये हमें अलाइनमेंट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा अभी क्या होते हैं गाइड पिलर। इसका मैं सेक्शन भी काट के दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसका सेक्शन है ये। ठीक है, ये है इसका गाइड पिलर और गाइड पुश। ठीक है दोस्तों, ये इसका गाइड पिलर देख सकते हैं और ये गाइड बुश ये है। ठीक है दोस्तों, दूसरे साइड से भी सेक्शन दिखा देते हैं इसका। ये दोस्तों इसका, ठीक है दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या है गाइड पिलर गाइड बुश इंजेक्शन मोल्ड में। दोस्तों ये कैसे मूव करता है ये भी मैं दिखा देता हूँ। ये मूविंग हाफ है हमारा, ये जाके इसमें बैठ जाता है, यह रहता है हमारा फिक्स्ड हाफ, ये रहता है मूविंग हाफ। ये बेसिकली अलाइनमेंट के काम आता है। अब दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा क्या होते हैं गाइड पिलर और गाइड बुश और इसका क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों व्हाट इज गाइड पिलर, गाइड पिलर क्या होते हैं। गाइड पिलर इज मेनली यूज टू गाइड द मूविंग एंड द फिक्स्ड हाफ ऑफ मोल्ड और डाई, जैसे अभी हमने देखा, and also align in a single axis में घूमते हैं। It is used to align ejector assembly, stepper plate, ये है, ये आपके 3 plate में उपयोग होते हैं। और इसका जो material रहता है, उसका grade है EN353। इसकी जो hardness रहती है 54 से 62 HRC होती है। हम ज्यादातर 15 से 20 mm ज्यादा लेते हैं product से जो pillar रहता है। ठीक है, ये कुछ major बातें हैं guide pillar के लिए। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं व्हाट इज नोमेनक्लेचर ऑफ गाइड पिलर। गाइड पिलर के नोमेनक्लेचर क्या है, ये ज्यादातर ये सिंपल स्ट्रेट हमारा गाइड पिलर होता है, जिसका डी होता है ये वर्किंग डाया बोलते हैं इसको। एच जो होता है वो कॉलर ऑफ द गाइड पिलर है, एल है वो ओवरऑल लेंथ होता है, टी जो होता है ये हमारा कॉलर होता है। ये ज्यादातर हम 5 mm रखते हैं और हम इसके डायमेंशन भी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और दूसरे है ये जो दूसरे टाइप का गाइड पिलर है, जिसमें एक होल्डिंग डाया रहता है ये D2, जो हमारा कोर या कैविटी प्लेट की जो थिकनेस रहती है उस लेंथ की रहती है। इसमें भी देख लेते हैं D1 जो ये है, D2 जो ये अभी मैंने बात करी कोर या कैविटी में जो रहता है जितना उसका थिकनेस रहेगा, D3 जो कॉलर का रहता है। बेसिकली ये ग्रुप की हमारे ऑयलिंग के लिए हम देते हैं। ठीक है, और L2 जो हमारा वर्किंग डाया है, ये हमारा डाय है, इन दोनों को प्लस करेंगे हमारा थिकनेस ऑफ द कॉलर। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं डायमेंशनिंग ऑफ गाइड पिलर, गाइड पिलर के डायमेंशन। D1 एज पर एस कैलकुलेशन, अब हम एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे आगे। D2 होता है D1 प्लस, जैसे ये 30 आया तो ये 38 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर D3 है आपका, जैसे ये 30 है तो ये 45 होगा दोस्तों। ठीक है, L1 थिकनेस ऑफ द प्लेट, यानी कि जो भी कोर या कैविटी हमने बात करी थी उसकी थिकनेस की इसकी हाइट रहेगी। L2 15% एक्स्ट्रा रहता है हमारा, जो वर्किंग वाला रहता है प्रोडक्ट से हम 15 से 20 mm एक्स्ट्रा लेते हैं। L जो है L1 प्लस L2 ये ओवरऑल हो जाता है, K हमारा 10 mm रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कैलकुलेशन। ये दोस्तों हम देखते हैं गाइड पिलर के कैलकुलेशन। बेसिकली D1 इक्वल टू अंडर रूट W इंटू एल बाय 3 पावर इंटू 64 बाय 3 इंटू पाई इंटू सिग्मा मैक्स। बेसिकली W जो होता है हमारा मोल वेट होता है, जो भी आपका मोल वेट निकल के आ रहा है। सेकेंड जो रहता है गाइड पिलर, हम लोग प्रोडक्ट से 15 से 20 mm एक्स्ट्रा लगेंगे, इंटू पावर 3 करना है इंटू 64 डिवाइड बाय E3। E3 जो रहता है वो हमारा यंग मोल्डेज रहता है ना, और इंटू पाई इंटू सिग्मा मैक्स। ओके, ये सब बेसिकली रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और ये दूसरा है
डिफ्लेक्शन और स्टील जो 0.01 रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं एक्सेल में कैलकुलेट करके कैसे वो आता है। ठीक है दोस्तों, ये है कैलकुलेशन। जैसे मेरे मोल्ड का वेट आया है 400 kg, वो मैंने पुट कर दिया। मेरा जो लेंथ आ रहा है गाइड पिलर का वो 150 आ रहा है। यंग मॉड्यूलस जो हमारा ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और पिलर हमारे 4 है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पहले से एक्सेल में कैलकुलेट करके रखा हुआ है आपके सहूलियत के लिए। जिसको भी चाहिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको ये एक्सेल शीट भेज देता हूँ। अब हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कैसे आता है ये। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं वैल्यू पुट करके ये फॉर्मूले के ऊपर। क्या है हमारा W? W है हमारा इसको इक्वल टू 400 इंटू L जो है हमारा 150 आ रहा है, इस टू रेस टू द पावर है हमारा 3 इंटू 64। ठीक, इसकी ये वैल्यू आ गई दोस्तों। अब हम नीचे का करेंगे। नीचे का है 3 इंटू 2.1 इंटू 10 रेस टू द पावर 4 इंटू जो पाई रहता है 3.14 इंटू इसमें सिग्मा मैक्स है 0.1। ठीक है दोस्तों, इसमें हम इक्वल टू नहीं लगाए, इक्वल टू लगा लेते हैं, ये आ गया इसकी वैल्यू। अब हमें इसको डिवाइड करना है दोस्तों, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, इसकी ये वैल्यू आ गई दोस्तों। अब हम आगे कैलकुलेट करें तो आइए दोस्तों देखते हैं ओवरऑल कितना आएगा। इक्वल टू दिस रेज टू द पावर 4 आपका, और ये कितना है हम लोग ब्रैकेट में इसको 1/4 करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पावर 1/4 आ गया। तो ये हमारा ओवरऑल डाया आ गया। इसको हमें चार्ट से डिवाइड करना है क्योंकि हमारे पास 4 पिलर होते हैं। डिवाइड बाय 4, तो दोस्तों ये आ गया 20। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 20 ये पहले मैंने से कैलकुलेट कर रखा है। आप ये शीट दे दूंगा आपके ईमेल एड्रेस पे। ठीक है दोस्तों, आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं स्क्रू बुश। दोस्तों ये है गाइड बुश। गाइड बुश इज यूज इन कंजक्शन विद द गाइडिंग पिन प्ले अ गाइडिंग रोल। जनरली द क्लियरेंस इज वेरी स्मॉल विद इन 0.05 mm। ये है दोस्तों हमारा गाइड बुश जो हमने अभी 3D में भी देखा था। ये मोल्ड के ये हाफ में मूविंग हाफ में लगा रहता है। इसका जो 2D रहता है वो हमारा जो हमारा पिलर का D है उसके बराबर रहता है, और ये +7 रहता है। ओके, +3 रहता है इसका कॉलर। ठीक है दोस्तों, आपको ये इंफॉर्मेशन वीडियो कैसी लगी आप बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।